जी हमारी भारतीय बीवियां और फेयर लवली वालों का एक करीबी रिश्ता है जो हम में से कोई पति नहीं तोड़ सकता। और मेरी सबसे गुजारिश है कि इस पक्के रिश्ते को कृपया करके तोड़ने की कोशिश न करें, वरना आपकी बीवी आपको तोड़ सकती है। एक टाइम भी ऐसा हो सकता है कि आपकी बीवी खाना बनाना छोड़ दे, लेकिन फेयर लवली लगाना भूल जाओ भाई साहब, भूल। आपकी बीवी फेयर लवली लगाना छोड़ दे, ये तो ऐसी बात हो गई कि बबीता जी राजी हो जेठालाल को गले लगाने के लिए और जेठालाल का मूड ही ना हो। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। सर जी, मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसका कोई जवाब नहीं था। उसका जवाब क्यों नहीं था? क्योंकि वो 3 दिन में एक बार नहाती थी और 30 बार फेयर लवली लगाती थी, इसलिए। वो एक बार मेरे पास आती है कि आप सब लोग तो सेटल हो गए, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा तेरा हो जाएगा, बोलती है कहाँ? मैंने कहा भूत वाली सीरियल में। सर जी, एक भाई दुखी होके बैठे थे तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब कोई चिंता का विषय है, क्या टेंशन है? भाई साहब बोले वैसे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिंता है। मैंने कहा लेकिन चिंता क्या है? भाई साहब बोले कि साला ये बीवियों के मुंह सफेद कराते कराते ये बाल कब सफेद हो गए ना, पता ही नहीं चला। मैंने कहा अभी तो सफेद बाल का पता नहीं चला, लेकिन ये सारे बाल कब चले जाएंगे ना, वो भी पता नहीं चलेगा। और शायद वो भी पता चल गया ना, तो आप कब चले जाएंगे ना इन सब में, वो तो पक्का पता नहीं चलेगा। लेकिन सर हाँ, फेयर लवली में एक बात है, सब क्रीमें आती है चली जाती है, सब क्रीमें आती है चली जाती है, लेकिन फेयर लवली जाने का नाम ही नहीं ले रही। वो बोलती है कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, आपकी बीवी की जान हूँ, कैसे जा सकती हूँ। तो आपको मजा आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। अगर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय द्वारकाधीश।